Morning guys, me and Pratyush have just left and this is a real early morning start. And कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको पता लग ही जाएगा. और I wanted to show you outside. This is 5:30 in the morning. Real early start. और कुछ है काम मुझे जिसके लिए इतनी सुबह निकला हूँ. और asked Pratyush to join me. He wanted to join me for this short trip. कुछ एक काम खत्म करके जल्दी ही वापस आ जाएंगे. And we should be back home, I think, by 8:30 maximum by 9 AM लगेंगे. काम खत्म करके आने में 2-3 घंटे लगेंगे हमको. And देखते हैं. You guys, as always, be good, stay good, do well, and I'll see you around. Bye-bye. सड़के देख के तो यार लगता है रेन इधर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग बारिश हुई है. सड़कें गीली है नजर आ सकता है और बाहर तो यू कैन सी इट इज पिच डार्क. और होगा भी यार इतने सुबह 5:30 बजे रोशनी कहाँ से एक्सपेक्ट करोगे. बट हाँ बारिश तो हुई है ये तो पक्का है. बिकॉज सुबह मेरे को लगा आई कुड हियर द ड्रॉप फॉलिंग ऑन द टॉप ऑफ द AC. तो बारिश तो हुई है बेशक थोड़ी बहुत भी बट अच्छा भी है. इसी बहाने थोड़ी सर्दी बढ़ेगी और खांसी जुकाम की बीमारियां खत्म हो जाती हैं बोलते हैं पुराने लोग. लेट्स सी. लाइक यू बी स्ट्रांग टू होल्ड द पावर्स ऑफ द सन. टू ड्रीम अरावली रेंज. वी आर क्रॉसिंग अरावली रेंज एंड दिन तो निकल ही आया यार. यू कैन सी इट. सो वी हैव बीन ड्राइविंग फॉर ऑलमोस्ट 1.5 hours नाउ आई गेस एंड जस्ट क्रॉसिंग द अरावली रेंजेस. और बाहर एक्सपेक्टेडली ठंड होनी चाहिए. अंदर तो हमको नहीं पता लग रहा गाड़ी में बट हाँ जिस हिसाब से मिस्ट आ रही थी विंडस्क्रीन पे. So I trust bahar temperature is pretty low. Andar to it's pretty cozy out here. And I think jahan humko jana hai we should be there in another 20-25 odd minutes. And why is it indicating? Acha over speed ka indicate kar raha hai. Highway pe bhi matlab ab you cannot drive above 80. Us pe bhi ye shuru hua tha ting 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 ting. So I'll see you pretty soon guys. I think jo destination hai wo aane wali hai 20-25 minute mein. So we'll quickly finish our work and then we'll head back home. So bhai raste mein ruke bhi ek dhabe pe aur aalu parantha khayenge subah subah chai ke sath. Mithu wagaira mein kuch nahi matlab khayega keh raha chai nahi piunga. Maine kaha coffee pilega tha nahi. So we stopped on the way to have our breakfast. और ढाबे का वो तंदूर वाला जो पराठा होता है ना वो मुरथल वाला वही खाएंगे आज. और मिट्टू भी वही खा रहा है. एंड फटाफट नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं. ठंड है यार है वाकई ठंड है. देखें हाँ थोड़ा बहुत तो धुआं निकल रहा है यार. और ये देख लो सर्दियों के नेमेसिस दाढ़ी बढ़ाई हुई है. मूड ही नहीं किया सुबह सुबह शेव करने का ऐसे निकल लिए. देखते कितना टाइम लेता तेरा पराठा आने में. In strength now I'm the only one. Only one. भाई गजब लौंडा मक्खन डाल के खा रहा है आज तो. क्या बात है. मक्खन लौंडे ने थोड़ा सा ही डलवाया. मैं तो कहा होटल वाले कहता नहीं थोड़ा सा ही. भाई ये वाइट वाले मक्खन की ना बात. सर्दियों में पराठा और वाइट मक्खन गजब कॉम्बिनेशन है. ले ले चाय ठंडा भाई. नहीं कॉफ़ी भी ले.
ये नहीं पीता भाई, बट मक्खन यहाँ रख दो भाई। आहा, शुरुआत करते हैं, आप भी इंजॉय करो भाई साहब। चल भाई ब्रेकफास्ट डन और चले सवारी वापस। फास्टैग तो मैंने रिचार्ज करवा लिया वापस दोबारा से। हाँ गाड़ी कहाँ पे, मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करके यार। वॉज अ वेरी टायरिंग डे यार, और पूरा सिर दर्द हो रहा, अभी फट रहा है, और उसके ऊपर से ये नॉर्मल रेगुलर स्टैंडर्ड वाला फिल्म सिटी वाला जैम लगा हुआ है, फंसा हुआ हूँ। और सिंस इट वॉज अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट तो नींद भी पूरी नहीं हुई है और सॉलिड वाली थकावट फील हुई है। कल भी पूरा दिन वॉज वेरी टायरिंग एंड सो वॉज इट टूडे। एंड अब तो यार गाड़ी चलाते हुए भी आला सारा, बस किसी तरीके से घर पहुंच के चाय पी जाए एंड इफ पॉसिबल आई विल टेक अ नैप। सॉरी फॉर यॉनिंग ऑन दी व्लॉग, बट कुडंट रेजिस्ट। और पता नहीं पूरा शरीर और माथा इस टाइम भन्नाया हुआ, पूरा सिर दर्द हो रहा है यार। घर जाके चाय पी के देखता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है अगर अभी घर जाके एक पावर नैप ले लिया और अगर आगे आधे घंटे के लिए सो गया तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, मतलब फिर देन आई एम गोइंग टू स्पॉइल माई एंटायर नाइट। तो इससे अच्छा ये है घर चलते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा टांगे सीधी करते हैं और थोड़ी मस्ती मारते हैं बच्चों के साथ, हो सकता है तब तक थोड़ा सिर दर्द कम हो जाए। एंड दूसरा यार ये घर के अंदर मेरे को लगता है ये जो पेंट वगैरह भी चल रहा है ना, उसकी वजह से भी प्रोबेबली वो जो फ्यूम्स उठते हैं पेंट के, उससे भी हो सकता है कि थोड़ा सा सिर दर्द हो, बिकॉज आई वॉज sitting at home while the paint work was going on, तो हो सकता है उसकी वजह से भी हो। Let's see, पहले इस ट्रैफिक से निकला जाए और घर पहुँचा जाए। See you guys, see you around, bye bye.